हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 5291 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं, मोनोपोली एंड एल्गोपोली में डिफरेंस, एंड डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। ठीक दोस्तों, तो देखिए क्या डिफरेंस होता है इसमें। फ्रेंड्स, मोनोपोली देखिए, पहले सबसे पहले मोनोपोली यानी मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। क्या होता है? एकाधिकार। जिस व्यापार में या जिस मार्केट में किसी एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार हो, उसे मोनोपोली कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ यानी कोई मार्केट है, उसमें कोई सामान, कोई वस्तु किसी एक ही व्यापारी है, किसी एक ही व्यक्ति के पास है, यानी वो मन चाहे रुपए कमा सकता है। यानी अगर कोई वस्तु मार्केट में एक ही जगह है, तो वो जितने मन में आएगा उतने दाम पर बेचेगा, तो उसे ही हम कहते हैं मोनोपोली। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ओलिगोपोली क्या कहता है? ओलिगोपोली कहता है कि एक ऐसा बाजार है जिसमें मूल्य निर्धारण नियंत्रण कुछ विक्रेताओं के हाथों में होता है। जैसे एक बाजार में कुछ वस्तुएं कुछ लोगों के पास ही हूँ। जैसे उसमें क्या था, कोई स्पेशल एक ही पर्सन होता था। मोनोपोली में, मार्केट में या किसी कंपनी में, कोई मतलब किसी कंपनी द्वारा कोई एक ही व्यक्ति होता था। इसमें क्या है, कुछ चंद लोग होते हैं। जैसे कोई बड़ी मार्केट है या कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें कुछ ही लोग हों, अल्पाधिकार हों, कुछ ही लोगों, कुछ ही विक्रेता हों, उनसे मतलब मोनोपोली में एक ही पर्सन होता है, इसमें कुछ लोग हों, कुछ विक्रेता हों, उनके पास ही अधिकार हो। तो मोनोपोली एक तरह से गलत है। गलत का मतलब कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति उसमें सर्वोच्च होता है, इसमें तब भी कुछ विक्रेता होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कंसेप्ट ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।